और दोस्तों क्या हाल है यार। वीडियो देखने के बाद गाली देने का मन करे तो कमेंट बॉक्स खुला है, जी भर के गाली दे देना, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद देना दोस्तों। मुझे यकीन है कि अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से। विदाउट किसी इंट्रो के सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, ये सच है कि गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया है और वो उसे इंडिया में वापस नहीं आने देना चाहती। और ये भी सच है कि जब तक फौजी आ नहीं जाता और उसे सभी लोग उस गेम को खेलने नहीं लगते, तब तक जो पबजी है वो इंडिया में आ नहीं सकता। और ये भी सच है कि गवर्नमेंट पबजी केआर वर्जन भी किसी को खेलने नहीं देना चाहती और अगर लोग ना माने तो उस पर भी एक्शन ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, और यहां तक कि वो लोग ये सोच भी नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा आखिर कर क्यों रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लोग पबजी की वजह से ऊपर आए हैं और उसके सिवा उन लोगों को कुछ आता भी नहीं है। अगर आता ना तो एक गेम को लेकर वो लोग ऐसा रंडी रोना नहीं करते। और भी गेम्स है वो खेल के लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं वो लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा जो अभी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है वो ये सोच ही नहीं पाते, बस इतना ही बोलते रहते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, पता नहीं गवर्नमेंट को पबजी से क्या प्रॉब्लम है, बस यही सब बोलते हुए रहते हैं और घुमा फिरा के बस एक ही न्यूज बताते हैं, बहुत जल्दी आपको जो गेम है देखने को मिल जाएगा, ताकि उनको इसके सिवा कुछ आता नहीं है तो इसके सिवा कुछ बोलेंगे नहीं। तो घुमा फिरा के सब लोग मिलजुल के कोई ना कोई डेट बोले जा रहे हैं, कभी क्रॉन्टन बोलता है, कभी मैक्सटन बोलता है, कभी कोई और बोलता है, ऐसे घुमा फिरा के सब बात आपको एक ही बात में घुमा के रखे और अभी तक आपको सब रूमर ही सिर्फ फैलाते हुए जा रहे हैं। मैं बताता हूँ गवर्नमेंट को पबजी से क्या प्रॉब्लम है, और अगर मेरी बात आपको सच लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नहीं लगे ना तो बिंदास गाली दो, कमेंट बॉक्स खुला है, कोई टेंशन नहीं मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो गाली। उससे पहले जितने लोग भी पबजी को खेलते हैं मुझे ये बताओ तुम लोगों को फ्री फायर क्यों नहीं अच्छा लगता? चलो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे उसका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है इसलिए हमको देखने में अच्छा नहीं लगता, तो खेलने की बात ही छोड़ो, तो फिर सीओडी क्यों नहीं खेलते यार तुम लोग? सीओडी का ग्राफिक्स तो बहुत अच्छा है, वो क्यों नहीं पसंद आता? अच्छा, कभी तुम लोग ने फ्री फायर प्लेयर्स को पूछा है कि आप लोगों को पबजी जो है अच्छा लगता है या नहीं लगता है? नहीं पूछा रहेगा ना, जाके पूछ के देखो, आपको बताएंगे कि उनको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है पबजी। देखो चाहे कोई भी हो, अगर वो बंदा कोई भी गेम खेलता है, चाहे फ्री फायर हो, चाहे सीओडी हो, चाहे पबजी हो, अगर उस गेम को उस बहुत अच्छी तरह से खेलने लगता है और उस गेम को समझने लगता है ना, तो उस गेम के सिवा उस बंदे को कोई और गेम अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई। चाहे कोई कितना भी अच्छा गेम आ जाएगा ना, फिर भी आप बोलोगे अरे यार इसके अंदर उसके जैसा रिवाइव वाला सिस्टम नहीं है, अरे यार उसके अंदर इसमें फ्लेयर गन वाला सिस्टम नहीं है, अरे यार उसमें सर्कल वाला सिस्टम नहीं है, आप कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही रहोगे। और अगर कोई एग्जैक्टली सेम वैसे लेके आ जाएगा जो कि ऐसे एंटरटेनमेंट आपको दे सके, तो आप बोलोगे यार यार इसका कॉपी किया हुआ है, तो घुमा फिरा के आप ना वही गेम खेलोगे और सारे बाकी सारे गेम को आप सिर्फ गलत ही बोलोगे। बस यही रीजन है, इसीलिए गवर्नमेंट पबजी को आने नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर पबजी आ गया तो उसके सामने चाहे कितना भी अच्छा गेम आ जाए आप सभी लोग ना घुमा फिरा के पबजी पे ही जाके खेलोगे और वही एक आखिरी तक खेलते रह जाओगे। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी लोग अपना इंडियन गेम खेले और यहाँ पे ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए और इंडिया के गेमिंग कम्युनिटी को आगे लेके जाए। लेकिन जो यूट्यूबर्स है ना, जो प्रो प्लेयर यूट्यूबर्स हैं, उनको लगता है कि अगर ये गेम चला गया तो उसके सिवा दूसरा कोई स्कोप नहीं बचेगा उसके सामने और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस इसीलिए वो सभी लोग ना घुमा फिरा के इस बात को अभी तक लेके चले आए और इसका हाइप बना के रखे इस गेम का, ताकि जब तक गेम आ ना जाए तब तक इस गेम को बना के रखे। तो गवर्नमेंट भी ना एक बात ठान के रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गेम को जल्दी आने नहीं देगी। मैं यहाँ पे पबजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी पबजी खेलता हूँ, मुझे भी पबजी बहुत पसंद है और मैं भी वेट कर रहा हूँ पबजी आने का, और मुझे ये यकीन है, पूरा यकीन है कि पबजी एक ना एक दिन जरूर आएगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसा रोकते रहेगी ना तो पबजी कभी नहीं आएगा। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।